वेलकम बैक गाइस। पोकेमोन एनिमे के अंदर हमने काफी सारे मेगा पोकेमोन ट्रेनर्स को देखा, यानी कि ऐसे ट्रेनर जिनके पोकेमोन भाई मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। तो आज हम लोग ऐसे ही टॉप 25 मेगा पोकेमोन ट्रेनर्स को देखेंगे और हम उन सबके पोकेमोन्स को रैंक करने वाले कि किसका पोकेमोन कितना ताकतवर है। तो काफी मजा आएगा वीडियो में, एंड तक जरूर बने रहना। और हाँ, आज की वीडियो में मैं अकेला नहीं हूँ भाई, मेरे साथ पोकेडॉन 2 भी है, तो इस वीडियो में और भी ज़्यादा मजा आने वाला है। इसके अलावा सब लोग को वो जेन 9 फैनमेड पोकेमॉन वाली वीडियो याद होगी, उसमें भाई कुछ आर्ट्स बनाए थे शैडो ने, तो उनको भाई मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा शाउट आउट जाता है। तो हाँ, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 25 नर्स जॉय की मेगा ऑर्डिनो। ये मेगा ऑर्डिनो हम लोगों ने पोकेमॉन XY के 96 एपिसोड में देखी थी और भाई इसने इतना भी कुछ खास नहीं किया था। इसने भाई मेगा इवॉल्व होने के बाद टीम रॉकेट के एक रोबोट को तोड़ दिया था और उनको काफ़ी आसानी से भगा दिया था। लेकिन देखा जाए तो ये उतनी कुछ अचीवमेंट नहीं है इतनी खास, क्योंकि वो तो भाई ऐश का हर एक पोकेमॉन ईजिली भगा देता है टीम रॉकेट को और उनके रोबोट भी तोड़ देता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसने मेगा इवॉल्व होकर कुछ खास किया है। ऊपर से तुम मान सकते हो भाई आराम से कि मेगा ऑर्डिनो सबसे वर्स्ट पोकेमॉन होती है मेगा एवोल्यूशन में, तो इसीलिए भाई आराम से नंबर 25 पे यही आएगी सबसे वीकेस्ट। नंबर 24 पे आता है इलियामा का मेगा केंगिस खान। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये केंगिस खान बिल्कुल ही वीक था, लेकिन हाँ लिस्ट में बाकी जो लोग हैं वो काफ़ी तगड़े हैं इसके कंपैरिजन में, क्योंकि भाई इसका मेगा केंगिस खान ने काफ़ी कोशिश करने के बाद भी एक बेस फॉर्म वाले सिजोर से हार गया था, जो कि मेगा इवॉल्व था भी नहीं, तो कह सकते उतना तगड़ा भी नहीं था। नंबर 23 पे आता है ट्रेवर का मेगा चार्जर्ड वाई। हम सब जानते हैं भाई ट्रेवर उतना भी अच्छे ट्रेनर कभी हमने नहीं देखा XY के अंदर, ये उतना भी अच्छा नहीं था बैटल्स वगैरह में, और इसका मेगा चार्जर्ड वाई भी इतना ताकतवर नहीं था। अलान ने लाइक बहुत ज़्यादा इजीली हरा दिया था, ये कुछ खास टक्कर नहीं दे पाया था, कह सकते हैं ये भी काफ़ी वीक है। नंबर 22 पे आती है किमिया की गार्डिवॉर। ये भाई एक मूवी के अंदर हमने देखी थी और हाँ ये भी मेगा इवॉल्व हो सकती है। इसने कुछ बैटल वगैरह नहीं करी थी, लेकिन यार मेगा गार्डिवॉर एक्चुअली बहुत तगड़ी होती है, यहाँ तक कि भाई उसके अटैक्स काफ़ी अच्छे होते हैं और इसने एक अटैक यूज़ भी किया था जो हम देख के ही समझ सकते हैं ये काफ़ी पावरफुल और एक्सपीरियंस्ड है। डेफिनेटली इतनी तो पावरफुल है इस रैंक के लिए। नंबर 21 एस्ट्रिड का मेगा एब्जॉल। एस्ट्रिड ने भाई आज तक जितनी भी बैटल लड़ी है ना एनिमे के अंदर, ये सारी की सारी हारी है। इसने कालोस लीग के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था, वहाँ बहुत गंदी तरीके से हार गई थी। इसने ऐश से भी बैटल करी थी और भाई ऐश के हाउलुचा ने इसके मेगा एब्जॉल को हरा दिया था। समझ सकते उतनी पावरफुल भी नहीं है ये, मतलब 21 रैंक के लिए बेस्ट है। नंबर 20 पे आता है रेमो का मेगा गार्चोम। मेगा गार्चोम वैसे ही बहुत तगड़ा होता है और रेमो ने भी इसको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी थी, हालांकि लीग के अंदर भाई अलान के चार्जर्ड ने इसको उड़ा उड़ा के मारा था, लेकिन जो भी हो भाई अलान का चार्जर्ड ऑब्वियसली अलग ही लेवल पे, इसीलिए वो इतना आसानी से हरा पाया, वरना भाई रेमो काफ़ी तगड़ा था और इसी वजह से वो सेमीफाइनल्स तक में आया था लीग में। नंबर 19 पे आता है विक्सट्रॉम का मेगा सिजोर। ऑब्वियसली भाई एलीट 4 है कालोस का और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका सिजोर भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब और भी ज़्यादा तगड़े हैं। यहाँ तक कि भाई बता दो ये डियांता के गार्डिवॉर से सिर्फ एक हिट में मर गया था लिटरली, तो कह सकते हैं भले एलीट 4 है लेकिन उतना तगड़ा भी नहीं है। नंबर 18 पे आता है ब्रॉक का मेगा स्टीलिक्स। भले ही ब्रॉक एक जिम लीडर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसका मेगा स्टीलिक्स वीक है। जब भाई अलोरा में हमने इसकी बैटल देखी भाई मैं बिल्कुल चौंक गया, सही में कितना ज़्यादा पावरफुल था यार ब्रॉक का मेगा स्टीलिक्स, डेफिनेटली ये डिजर्व करता है स्पॉट। नंबर 17 पे मिस्टी का मेगा गैलेडोस। इसने अलोरा के अंदर ऐश के पिकाचू से बैटल करी थी, हालांकि भाई ये हार गई थी ऑब्वियसली क्योंकि पिकाचू बहुत तगड़ा है, लेकिन जो भी हो मिस्टी ने भी काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी और मेरे ख्याल से इसके लिए 17 सही रहेगा। नंबर 16 कोरिना का मेगा लुकारियो। कोरिना एक काफ़ी मेन मेगा ट्रेनर है भाई हमने एनिमे के अंदर जो देखी है, हालांकि इसका लुकारियो उतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भाई हमने कभी नहीं देखा, मतलब काफ़ी बार ये हारता रहता है, लेकिन जो भी हो इतना तो पावरफुल है कि भाई नंबर 16 पे अपनी जगह बना ली है इसने। नंबर 15 पे आता है प्रोफेसर सिकामोर का मेगा गार्चोम्प। भाई ये भी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गार्चोम्प है पूरे एनिमे के अंदर, भाई बहुत पावरफुल था सही में, और एंड में भाई जब सब लड़ रहे थे तब भी इसकी पावर हमने देखी थी, काफ़ी तगड़ा है। नंबर 14 पे आता है टायरेंटार का एक अननोन ट्रेनर। इसको भाई हमने मतलब देखा है लेकिन इसका नाम नहीं पता, लेकिन जो भी हो इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा थी यार सही, मतलब इसने काफ़ी अच्छे से लड़ा था और मेगा टायरेंटार लिटरली भाई वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा इवॉल्व पोकेमॉन होता है। इसके स्टैट्स तो भाई आसमान छू जाते हैं, इतने ज़्यादा स्टैट्स हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं इसके लिए रैंक सही है। नंबर 13 पे आता है गोजू का एग्रॉन। गोजू भाई टीम रॉकेट का एक मेंबर है बट इसको बिल्कुल वीक मत समझो, इसका एग्रॉन मेगा इवॉल्व हो सकता था और बहुत ज़्यादा तगड़ा था। इसने 3 पोकेमॉन्स को इतना इजीली हरा दिया था, फिर जाके भाई ये कुकुई के इंसिनेरॉर से हारा था, लेकिन डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग था भाई ये मेगा एग्रॉन। और नंबर 12 पे आता है वल्फ्रिक का अबोमा स्नो। तो वल्फ्रिक कैलोस का एक आइस टाइप जिम लीडर है एंड उसका मेन पोकेमॉन अबोमा स्नो है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है, और वल्फ्रिक ने इसको सबसे पहली बार रियल आइस ब्रेकर नाम के एपिसोड में मेगा इवॉल्व किया था, जहां पे इसने ऐश के ग्रीनिंजा के साथ बैटल की थी और काफी अच्छी टक्कर भी दी थी, बट लास्ट में ये हार जाता है ग्रीनिंजा से।
और नंबर 11 पे आता है सॉफ्टवेयर का मेगा सेप्टाइल जो कि ड्रैगन और ग्रास टाइप का पोकेमोन है। सॉफ्टवेयर का ट्री को शुरू में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था बट सॉफ्टवेयर ने ऐश से काफी कुछ सीखा था जिस वजह से लास्ट में सेप्टाइल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये सॉफ्टवेयर का मेन पोकेमोन था जिसका यूज करके सॉफ्टवेयर सेमीफाइनल्स तक पहुंच गया था जहां पे उसकी बैटल ऐश के साथ होती है। बट अनफॉर्चुनेटली सॉफ्टवेयर का मेगा सेप्टाइल एडवांटेज होने के बाद भी ऐश के ग्रीनिंजा से हार जाता है बट इसने काफी अच्छी टक्कर दी थी। और नंबर 10 पे आता है मालवा का मेगा हाउंडूम। अब मालवा एक लाइट फोर मेंबर है एंड उसका मेन पोकेमोन है मेगा हाउंडूम। और नंबर 10 पे आता है मालवा का मेगा हाउंडूम। अब मालवा एक लाइट फोर मेंबर है एंड उसका मेन पोकेमोन है मेगा हाउंडूम। और मालवा ने हाउंडूम को सबसे पहली और आखिरी बार अलान के खिलाफ बैटल में यूज किया था जहां पे अलान अपने मेगा चार्जर्ड एक्स को यूज करता है और मालवा भी अपने हाउंडूम को मेगा इवॉल्व कर देती है। ये बैटल भी काफी अच्छी होती है बट लास्ट में अलान का मेगा चार्जर्ड एक्स अपने ब्लास्ट बन का यूज करके हाउंडूम को हरा देता है। और नंबर 9 पे आता है मियर का मेगा ब्लेजिकन। अब मियर क्लेमेंट और बॉनी के फादर हैं और इनके पास दो पोकेमोन है, सबसे पहला ब्लेजिकन एंड सेकंड है एम्फरोस। और इनका ब्लेजिकन मेगा इवॉल्व भी हो सकता है मेगा ब्लेजिकन में। ज्यादातर तो ये दोनों सबको बचाने का काम करते थे बट कभी कभी इन्होंने फाइट भी की है एनिमे में। और ब्लेजिकन ने कुछ अटैक्स का भी यूज किया जैसे कि फ्लेयर ब्लिट्स, फ्लेम थ्रोअर या फिर ब्लेज किक। और नंबर 8 पे आता है मेबेल का मोबाइल जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा मोबाइल में। एनिमे में इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही बैटल की है बट वो बैटल भी कोरिना के मेगा लुकारियो के सामने थी जहां पे इसने बिना कोई डैमेज लिए सिर्फ और सिर्फ दो मूव का यूज करके लुकारियो को हरा दिया था जो कि थे फेरी विंड और आयरन हेड। और मेगा लुकारियो ने अटैक करने की कोशिश की थी बट सारे अटैक को मोबाइल ने इजिली डॉच कर लिया था। तो हाँ, डेफिनेटली ये काफी स्ट्रांग थी एंड इतना ऊपर आना डिजर्व करती है। और नंबर 7 गर्किन का मेगा लुकारियो। अब गर्किन कोरिना के ग्रैंडफादर है एंड ये भी काफी स्ट्रांग है। एनिमे में इन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ एक ही बैटल की है एंड बिल्कुल मेबेल की तरह वो बैटल भी कोरिना के मेगा लुकारियो के सामने थी। यहाँ पे गर्किन ने अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर लिया था एंड काफी इजिली डिफीट कर दिया था कोरिना के मेगा लुकारियो को। और गर्किन के मेगा लुकारियो को सिर्फ और सिर्फ दो मूव्स आते थे जो कि थे बोन रश और ऑरा स्पीयर। और नंबर 6 पे आता है ऐश का मेगा लुकारियो। अब ऐश ने पोकेमोन जर्नीस में एक लुकारियो को पकड़ा था रियोलू के फॉर्म में और आगे जाके वो इवॉल्व हो जाता है लुकारियो में एंड फाइनली मेगा लुकारियो में भी मेगा इवॉल्व हो जाता है जो कि ऐश का फर्स्ट मेगा इवॉल्व पोकेमोन है। एंड मेगा इवॉल्व होने के बाद इसने बी के जिगांटामैक्स मचैम्प को भी हराया है और ये डिफेंस करने में भी काफी अच्छा है। इसके पास अपना एक स्पेशल ऑरा स्पीयर भी है जो कि है जायंट ऑरा स्पीयर जो कि किसी और लुकारियो के ऑरा स्पीयर से कहीं ज्यादा बड़ा है एंड मेगा इवॉल्व होने के बाद तो ये और भी बड़ा हो जाता है। और अभी तो पोकेमोन जर्नीस एंड भी नहीं हुआ है, हो सकता है कि इसको आगे जाके कोई फॉर्म मिल जाए जैसे कि ऑरा फॉर्म। और डेफिनेटली और भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है अभी के मुकाबले। और नंबर 5 अलान का मेगा चार्जर्ड एक्स। अब अलान का मेगा चार्जर्ड एक्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा इवॉल्व पोकेमोन है पोकेमोन एनिमे का। इसने ऐश के ग्रीनिंजा और मालवा के मेगा हाउंडूम के साथ ही साथ काफी सारे मेगा इवॉल्व पोकेमोन को एक साथ हराने की स्ट्रीक भी बनाई थी और साथ में इसने पोकेमोन लीग में ट्रेवर के पूरे टीम को अकेले स्वीप कर दिया था। तो हाँ, डेफिनेटली टॉप 5 में आना तो डिजर्व करता ही है। और नंबर 4 पे आता सी बोल्ट का ब्लास्टोइस। अब सी बोल्ट भी एक लाइट फोर मेंबर है एंड उसके पास एक ब्लास्टोइस है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा ब्लास्टोइस में। और सी बोल्ट ने अपने ब्लास्टोइस को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मेगा इवॉल्व किया था वो भी अलान के मेगा चार्जर्ड एक्स के सामने। और ये बैटल काफी टफ थी बट लास्ट में सी बोल्ट का ब्लास्टोइस ड्रैगन पल्स का यूज करके अलान का मेगा चार्जर्ड एक्स को हरा देता है। और नंबर 3 डियांथा की गार्डिवॉर। अब गार्डिवॉर डियांथा की मेन पोकेमोन है एंड ये मेगा इवॉल्व भी हो सकती है मेगा गार्डिवॉर में। और डियांथा एक चैंपियन है तो हाँ, डेफिनेटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेगा गार्डिवॉर ने लिटरली विक्सट्रॉम जो कि एक लाइट फोर मेंबर है उसके सीजर को वन हिट कर दिया था बट जब इसकी बैटल ऐश के बॉन्डिवॉल ग्रिंजा के सामने होती है तो इसको काफी वीक दिखाया गया था। काफी लोगों का ये भी कहना है कि डियांथा उस बैटल में ऐश के ग्रिंजा की पावर लेवल चेक कर रही थी और डिफेंसिव खेल रही थी। और नंबर 2 पे आता है लाइसेंडर का मेगा शाइनी गैराडोस। गैराडोस अपने बेस फॉर्म में वाटर और फ्लाइंग टाइप का होता है बट मेगा इवॉल्व होने के बाद वाटर और डार्क टाइप का बन जाता है। और लाइसेंडर का मेगा शाइनी गैराडोस हमें सबसे पहली बार कमिंग अपार्ट एट द ड्रीम्स नाम के एपिसोड में देखने को मिलता है। और ये पोकेमोन लिटरली इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसको हराने के लिए ऐश की पूरी कैलोस टीम यानी कि पिकाचू, ग्रीनिंजा, हलूचा, नॉइवन, टैलोनफ्लेम और गुडरा लगे थे। और इवन वहां पे अलान का मेगा चार्जर्ड एक्स और मालवा का मेगा हाउंडूम भी हेल्प कर रहे थे। मतलब वहां पे टोटल 8 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमोन थे बट उसके बाद भी लाइसेंडर के मेगा शाइनी गैराडोस ने आधे से ज्यादा पोकेमोन को हरा दिया था और फिर जाके सब ने एक साथ मिलकर उसको हराया था। तो हायर ये अलग ही लेवल का पोकेमोन था, मेरे हिसाब से नंबर 2 के लिए परफेक्ट रहेगा। और फाइनली नंबर 1 पे आता है स्टीवन का मेगा शाइनी मेटाक्रॉस। अब स्टीवन होइन का चैंपियन है एंड उसका सिग्नेचर पोकेमोन है मेटाक्रॉस जो कि शाइनी एंड साथ में मेगा इवॉल्व भी हो सकता है। और हमारे ओपिनियन में ये अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा इवॉल्व पोकेमोन है।
वेल वीडियो अगर तुम लोग को पसंद आ गया तो लाइक जरूर कर देना, एम करते हैं 7000 लाइक्स के लिए। चैनल पर ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना। और पोकेमॉन 2 के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसका कंटेंट भी तुमको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला, तो सब्सक्राइब कर दो उसके चैनल को भी। बाकी मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।